करेक्टली मैच पेयर ऑफ द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्टेट पॉसिबिलिटी थ्योरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर यानी कौन सा एक पेयर सही है या करेक्टली मैज है अगर हम बात करें हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत की इंटेलिजेंस एक तरफ दी हुई है बुद्धि का प्रकार और दूसरी तरफ उसका एंड स्टेट क्या हो सकता है भाई गार्डनर ने आठ प्रकार की बुद्धि की बात किया ना कि अगर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है तो आप सिंगर uh, बन सकते हैं अगर लिंग्विस्टिक है तो आप टीचर बन सकते हैं अगर आप या कुछ टाइप uh, मतलब कुछ लेखक भी बन सकते हैं अगर आप में साइंटिफिक या लॉजिकल है तो आप साइंटिस्ट या फिर मैथमेटिशियन बन सकते हैं तो एक तरफ लिखी है बुद्धि दूसरी तरफ लिखा है उससे रिलेटेड क्या बन सकते हो या एंडस्टेट क्या हो सकता है इंटेलिजेंस क्या दी हुई है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस से व्यक्ति अकाउंटेंट बनेगा यार ये तो मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल चाहिए होगी अकाउंट्स के लिए तो कैलकुलेशन चाहिए ना लिंग्विस्टिक थोड़ी चाहिए कि अकाउंटेंट बहुत अच्छा बोलता हो इस बात की क्या जरूरत है फिर तो वो वक्ता बन जाएगा फिर तो उसमें लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक में तो वक्ता आ जाएगा कैलकुलेशन थोड़ी आएगी जरूरी थोड़ी जितने भी वक्ता है वो बहुत अच्छे कैलकुलेट कर लेते हैं इंटेलिजेंस क्या है स्पेशल इंटेलिजेंस एंड स्टेट क्या है आर्किटेक्ट यानी बुद्धि का प्रकार है स्थानिक बुद्धि और एंड स्टेट क्या है वास्तुकार आर्किटेक्ट जो एक बिल्डिंग बना सके क्यों क्योंकि स्पेशल इंटेलिजेंस है कि वो दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं कोई रूम देख के भी कि कहां पे क्या चीज अच्छी लगेगी चाहे वो इंटीरियर डेकोरेटर हो चाहे वो नक्शा बनाने वाले लोग कार्टोग्राफर हो चाहे वो आर्किटेक्ट हो है ना चाहे वो स्कल्पचर जो होते हैं जो मूर्तिकार होते हैं उनको भी पता है नाक कहाँ से क्या शेप देनी है मतलब स्पेशल इंटेलिजेंस है स्पेस से रिलेटेड स्थान से रिलेटेड ठीक तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर इंटेलिजेंस बॉडीली लि सिंगर बनेगा मतलब बॉडी बना के सिंगर अच्छे बनते हैं मतलब जिनकी बॉडी में ज्यादा ताकत है वो सिंगर अच्छे बनेंगे नहीं बॉडीली स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा बनेगा सिंगर म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाला ठीक है नेचुरलिस्टिक से टीचर बन जाओगे भाई जरूरी तो नहीं है टीचिंग के लिए तो लिंग्विस्टिक भी चाहिए अगर आप अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पा रहे कैसे समझाओ कितना बोलना पड़ता है लगातार बोलना पड़ता है कई बार तो दोस्त कहते हैं चुप हो जाओ तो मैं हो गई है, आदत ज्ञान देने की ठीक है तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बाकी कोई जम नहीं रहा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं आज के लिए आखिरी सवाल क्वेश्चन देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी मल्टीलिंग यानी एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी बहुभाषा के बारे में क्या कहता है बहुभाषिता समझते हैं भाई डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को मौका दिया जा, जाना चाहिए एक्सेप्ट किया जाना चाहिए क्लासरूम में एक बच्चा हो सकता है जिसके घर में गुजराती बोली जाती हो तो वो गुजराती को आप एक्सेप्ट करें किसी के घर में मलयालम हो किसी के घर में तेलुगु हो तमिल हो हिंदी हो हरियाणवी हो भोजपुरी हो कोई भी भाषा हो सकती है पंजाबी हो है ना तो मल्टीलिंगुअलिज्म यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस को क्लास में होना चाहिए इसके बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है तो हिंड्रेंस कहती है मल्टीलिंगुअलिज्म को कोई भी पॉलिसी हिंड्रेंस या रुकावट नहीं कह सकती एसेट है मल्टीलिंगुअलिज्म एनसीएफ में भी यही था एनएपी में भी यही है अब आपको यहां पे घबरा नहीं जाना कि मैंने तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी ही नहीं कहां से आंसर दे दूं अरे लॉजिकली बच्चे के हित में जवाब दे दो बात खत्म है ना

ठीक तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि सभी भाषाओं का हम प्रयोग करें बच्चा जो भी अपने घर से लेके आता है हम हर चीज को वेलकम करते हैं उसको यूज करते हैं अच्छे के लिए ठीक है